सैमसंग सेटअप करने जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओएलईडी प्लांट साउथ कोरिया में, जहां पर मंथली 2,70,000 ओलेड डिस्प्ले पैनल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्योंकि एप्पल ने अपने आने वाले आईफोन 8 के लिए 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ ओलेड डिस्प्ले का ऑर्डर सैमसंग को दिया है। क्यों भाई, आखिर ओलेड और एमोलेड डिस्प्ले में ऐसी क्या खास बात है, और वो कैसे बाकी डिस्प्लेज जैसे आईपीएस एलसीडी और टीएफटी एलसीडी से अच्छा है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं एलसीडी स्क्रीन्स की। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी के फ्रंट पोर्शन में एक लिक्विड क्रिस्टल पैनल लगा होता है जहां सारी कलर प्रोडक्शन वगैरह होती है, पर इन कलर्स और इनसे फॉर्म होने वाली इमेजेस और वीडियोस को लोग देख पाए इसके लिए बैक साइड में एक फ्लोरोसेंट लाइट को फिट किया जाता है। अब जब वो लाइट उस लिक्विड पैनल से पास होके बाहर आती है तो हमें उस स्क्रीन पर अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। स्मार्टफोन्स में हम यूजुअली दो तरह के एलसीडी स्क्रीन्स को देखते हैं। एक है टीएफटी एलसीडी जो सिर्फ 3 इंच तक के डिस्प्लेस बनाने में काम में आती है, और दूसरी जो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो है आईपीएस एलसीडी, जिसमें हमें बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं और ये टीएफटी एलसीडी के मुकाबले लेस पावर कंज्यूम करती है। पर एलसीडी स्क्रीन्स की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है कि इसमें आपको ब्लैक कलर 100% ब्लैक नहीं मिलता है। मतलब सपोज आपको अपने स्क्रीन के किसी पोर्शन में डार्कनेस यानी कि अंधेरा शो करना है, पर जो फ्लोरेसेंट लाइट एलसीडी के पीछे लगी हुई है वो पूरे स्क्रीन के लिए ऑन रहती है, इसलिए आपको इस रीजन में प्योर ब्लैक की जगह ग्रेइश ब्लैक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ओलेड और एमोलेड डिस्प्ले की। एमोलेड डिस्प्ले बेसिकली ओलेड का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। एमोलेड स्क्रीन्स में बहुत सारे छोटे छोटे एलईडीज यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स को एक टीएफटी पैनल में इंटीग्रेट किया जाता है। टीएफटी पैनल में लगे होते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, जिससे हम हर एक इंडिविजुअल पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे फायदा ये होता है कि जब हमें स्क्रीन के किसी रीजन पर डार्कनेस शो करना है तो हम उस रीजन के एलईडीज को ऑफ कर सकते हैं, जिससे हमें प्योर ब्लैक एक्सपीरियंस मिलता है। और इस तरह से एमोलेड स्क्रीन्स बहुत कम पावर कंज्यूम भी करती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीडी डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा और आप जान गए होंगे क्यों आज हर फ्लैगशिप फोन हाई क्वालिटी डिस्प्ले के लिए एमोलेड डिस्प्ले को यूज कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियोस में, धन्यवाद।